हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है तृष्टिका किचन्स में। तो फ्रेंड्स, हम सुंदर दिखने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, अलग अलग क्रीमें यूज़ करते हैं और महंगे महंगे प्रोडक्ट अपने फेस के ऊपर यूज़ करते हैं, बट उनका कोई भी रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। या तो हमें साइड इफ़ेक्ट होने लगता है या फिर हमें उसका रिजल्ट ही अच्छा नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसा छोटा सा नुस्खा लेके आई हूँ जो होममेड है, यानी इसको आप घर पर बनाकर अपने चेहरे को बहुत ही ज़्यादा गोरा कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट बना सकते हो। अपने चेहरे की जितनी भी गंदगी होगी, हाथ पैरों की गंदगी होगी, बिल्कुल एकदम हट जाएगी, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा चेहरा। और फ्रेंड्स, आसान बात यह है कि इस रेमेडी को बनाना बहुत ही आसान है। हम कम टाइम में, कम मेहनत में इसको बनाकर डेली भी यूज कर सकती हैं। तो प्लीज फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं रेमेडी को बनाना। तो यहां पर सबसे पहले हमें लेना है एक आलू। तो आलू फ्रेंड्स सभी के घरों में बहुत ही इजीली मिल जाता है। हमें इस आलू को एक चाकू से इसके छिलके को हमें हटा लेना है और उसके बाद फ्रेंड्स हम इस आलू का कद्दूकस करेंगे। आप चाहे तो इसको मिक्सी के जार में भी पीस सकते हो, यानी इसका जूस निकालना है आलू का। आलू में फ्रेंड्स ऐसे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो हमारे फेस को क्लीन करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। फेस पर धूल मिट्टी आ जाती है या फिर धूप की वजह से कालापन आ जाता है, चाहे वो धूल मिट्टी की वजह हो या फिर धूप की वजह से कालापन हो, उन सब को क्लीन करता है। सिर्फ इसको फेस के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते, अपने हाथ पैरों पर भी यूज़ कर सकती है इसको। हमारे हाथ पैरों पर जमी हुई गंदगी को हटाता है, हमारे फेस के ऊपर धूप की वजह से आया हुआ कालापन या फिर समय से पहले ही हमारे फेस के ऊपर झुर्रियां जैसी पड़ जाती हैं, छाइयां पड़ जाती हैं या फिर दाग धब्बे हो जाते हैं बिना कोई कारण के, तो उनको सबको हटाकर बहुत ही एक अच्छा फेस रखते हैं। इस रेमेडी को फ्रेंड्स आप हफ्ते में 2 से 3 बार कंटिन्यू कर लोगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, हम सभी लोग सुंदर दिखने के लिए कुछ ना कुछ क्रीमें या फिर जो महंगे प्रोडक्ट होते हैं या फिर घरेलू नुस्खा होता है, हम आजमाते रहते हैं, करते रहते हैं, बट जो आज का ये नुस्खा है, आज की जो रेमेडी है, 100% वर्क करने वाली है। आप इसका यूज़ करके देखिए। आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते तो हफ्ते में 2 से 3 बार करना और कंटिन्यू 15 दिन कर लोगे तो आपको एक खुद को अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमें आलू को इस तरीके से कद्दूकस करना है और उसके बाद हमें इस तरीके से इसका जूस निकाल लेना है। और ये जो आलू का जूस है हमारे फेस के ऊपर बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। ये बिल्कुल नेचुरल होता है, इस पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आप बॉयज़ और गर्ल्स दोनों भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही फ्रेंड्स हमें मिलाना है गुलाब जल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम कुछ बूंद गुलाब जल डालेंगे और साथ ही में डालेंगे कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल डालेंगे। नारियल का तेल फ्रेंड्स मैं इसमें इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हम जो फेशियल बना रहे हैं उसको हम हमारे चेहरे पर यूज़ करेंगे, तो उसमें अगर ये नारियल तेल डालेंगे तो इससे हमारे फेस बहुत ही ज़्यादा मुलायम रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। और अब इसमें डालेंगे फ्रेंड्स हम 2 चम्मच गेहूँ का आटा। और गेहूं का आटा डालने के बाद फ्रेंड्स हमें सभी आइटम को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये हमारे हम फेस के ऊपर लगाने के लिए बना रही हैं, इसलिए थोड़ा पेस्ट हमें टाइट रखना है। अगर यहीं आप हाथ पैरों पर यूज़ करने के लिए बना रहे हो तो थोड़ा इसमें पानी की मात्रा डाल देना या फिर आलू का जो जूस लेते हैं वो थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेना, जिससे थोड़ा लिक्विड इतना टाइट ना हो। हाथ पैरों के लिए फ्रेंड्स हमें इतना टाइट पेस्ट नहीं लेना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारे फेस के लिए पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब मैं मेरे हाथ के ऊपर इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ। सेम इसी तरीके से आपको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है और बहुत ही अच्छे से हमारे फेस के ऊपर ये रेमेडी वर्क करेगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरीके से इसको लिक्विड को यानी पेस्ट को अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद इस तरीके से हमारे फेस के ऊपर अप्लाई करना है। 5 से 7 मिनट तक अच्छे से मसाज करनी है हमारे फेस के ऊपर अंगुलियों की सहायता से। मसाज करते करते 5 से 7 मिनट हो जाती है तो उसके बाद हमें 5 से 7 मिनट भी सूखने को रखना है इसको, यानी इसको फेस पे लगा हुआ इस फेशियल को हमें सुखाना है। और उसके बाद हमें एक नॉर्मल पानी से हमारे फेस को, हमारे मुंह को धो लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से इसको हल्के हल्के धीरे धीरे हाथों से मसाज करना है। और फ्रेंड्स आप यकीन नहीं मानोगे कि इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको इस फेशियल से, बिना कोई साइड इफ़ेक्ट के, बिल्कुल नेचुरल तरीके से है।
तो उसके बाद हमें इस तरीके से धो लेना है। और धोने के बाद फ्रेंड्स आप अपने चेहरे पे शाइनिंग देखोगे, चमक देखोगे, बहुत ही अच्छे से चेहरा निखर जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से रेमेडी बनाकर आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।